पिया बहती बारल देखी भूत गइल बा, दियरी में के तेल सारा सुख गइल बा। लागे मैया जई है आज रूठी हो रूठी हो, नैहर में सिखलू ना लूर धनिया, बत्ती होला तेल काट नहीं सूती हो। ए सखी जैसन मरद रहनी सोचले, ओकरो ले नीमन बड़े हमके मिलाले। कितना करे हम उनकर बखान ये सखी, बलम बड़े यार मेह के जवान ये सखी। बी न्यूज इंडिया, हर पल की खबर। इस वक्त जनपद मऊ के जो है रतनपुरा अंतर्गत गाढ़ा गांव में उपस्थित हैं, और गाढ़ा गांव का एक ऐसा जो एक एरिया है जहाँ पे काफ़ी जो है छोटे वर्ग के लोग रह रहे हैं, और उसी एरिया के एक उभरता हुआ इस जो है नए ज़माने में एक जो है अपनी जो है आवाज़ों को बिखेरती हुई इस क्षेत्र का जो है नाम रोशन करने में अपना कदम जो है आगे रखी है सिंगिंग दुनिया में, जो हमारे साथ मुकादित हैं और इनसे खास आपको मैं अवगत करा रहा हूँ। हमारे साथ इस मौके जो है अंतर्गत जो है रतनपुरा के गाढ़ा गांव की रहने वाली प्रतिभा राज सिंगर, जो आज हमारे सामने मौजूद है। सबसे पहले आपका भी न्यूज इंडिया में स्वागत है। नमस्कार प्रणाम, मैं सिंगर प्रतिभा राज, आप सभी को मेरा नमस्कार है। और ये बताइए कि आप सिंगर बनने का जो है ख्वाहिश कब आपके अंदर ये जगह? मुझे दो साल करीब मैंने गाना शुरू किया। अच्छा, मुझे बहुत ही शौक था गाने का, यानी कि बचपन से ही? हाँ, बचपन से ही। मैंने स्कूल में भी गाना शुरू किया था, स्कूल से मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला। यानी कि स्कूली से ही इनका जो है गाने का शौक बना रहा, और बचपन से इनका जो है एक जो शौक था कि मैं मुझे इन सिंगर बनना है, वो शौक स्कूलों से गाते हुए और आज के समय में एक स्टूडियो का जो है सफ़र करते हुए आज स्टूडियो से काफ़ी इनका एल्बम आ चुका है। सबसे पहले आपका कौन सा गाना मार्केट में आया था? सबसे पहले मेरा गीत विदाई गीत आया था। विदाई गीत रतनपुरा स्टूडियो सुरसंगम से। सुरसंगम से तो विदाई गीत आने के बाद आपने फिर कौन सा गीत गाने का प्रयास किया? मैंने भोजपुरी लोकगीत गाने का प्रयास किया था। लोकगीत, तो उसमें कुछ ऐसे गाने हैं जो काफ़ी हिट हुए थे, उन्हें उनका नाम बताइए। हाँ, बलम आर्मी के जवान। अच्छा, तो थोड़ा हम चाहेंगे कि वो गाना जो है अपने अंदाज में दर्शकों के बीच में सुनाएं, एक ही लाइन कि, ताकि ये लगे कि आप उस गाने को किस हिसाब से अपने शुरू में पिरोई हैं, बताइए। ए सखी जैसन मरद रहनी सोचले, ओकरो लेनी मन बड़े हमके मिलाले। ए सखी जैसन मरद रहनी सोचले, ओकरो लेनी मन बड़े हमके मिलाले। कितना करे हम उनकर बखान ये सखी, बलम बड़े यार मेह के जवान ये सखी। बलम बड़े यार मेह के जवान ये सखी, यही सॉन्ग मेरा आया था। अच्छा, म्यूजिक वर्ल्ड से। उसके बाद फिर कुछ और गाने आपके मार्केट में छाए थे, भक्ति गाने भी। हाँ, आपके इन दिनों भी आए हैं, और कुछ और गाने आपने गाए थे, क्या था वो गाना? वो गाना था, अभी आया है, मुकेश राज जी के साथ में, राजगाजीपुर जी के स्टूडियो। अच्छा, से इस समय जो है नवरात्रि का जो है चल रहा है माहौल, और इस नवरात्रि के जो है भक्ति भजन में आपका गाना थोड़ा से आपकी ही जुबानी दर्शकों के बीच में हो जाए। पिया बहती बारल देखी भूत गइल बा, दियरी में के तेल सारा सुख गइल बा। लागे मैया जई है आज रूठी हो रूठी हो, नैहर में सिखलू ना लूर धनिया, बत्ती होला तेल काट नहीं सूती हो। यही सॉन्ग आया है मेरा मुकेश राज जी के साथ। तो भक्ति और लोकगीत में काफ़ी आपके एल्बम आ चुके हैं। हाँ, काफ़ी आ चुके। तो आपने अभी जो है कौन से स्टूडियो से गा रहे हैं? राजगाजीपुरी जी। अच्छा, तो स्टूडियो का क्या नाम है? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति स्टूडियो से। तो आप अभी जो है इन दिनों पढ़ाई का सिलसिला कहाँ तक है? टेंथ में अभी तो इस समय। अभी टेंथ। हाँ, में है। तो आप टेंथ का पढ़ाई करते हुए और सिंगिंग का जो है पड़ाव आपके सामने है, उसमें भी अपना जो है भागीदारी निभा रही हैं, तो क्या लगता है कि पढ़ाई के साथ सिंगिंग की दुनिया में अपना एक जो है अच्छा मार्गदर्शन करने में कैसे सफल होंगी, उसके लिए क्या करने का सोच रखी है? वैसे तो मुझे आशा नहीं, विश्वास है
कि लोग मुझे भी सपोर्ट करेंगे, जैसे शिल्पी राज जी को सपोर्ट किए हैं। अच्छा, वैसे हमको भी सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, मतलब अपने जो है एक उम्मीद है कि हम अपनी कलाकारी और अपनी जो है हुनर को इस एक अपने आवाज़ के जरिए लोगों के बीच में दिखाएं, तो उसका जो है रिजल्ट काफ़ी भविष्य के लिए अच्छा ही होगा। हाँ, ऐसे तो सपोर्ट मिल रहा है, मिल रहा है, आगे भी बहुत। तो गांव वाले भी आपके सपोर्ट करते हैं? हाँ, मुझे गांव वालों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और घर वाले भी मेरे। अच्छा। मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। यानी कि आपके पिताजी काफ़ी आपके जो है सपोर्ट कर रहे हैं और इसी के जरिए आप जो है अपने इस सिंगर जो है बनने का ख्वाब आगे बढ़ा रही हैं। हाँ। तो जो है अभी मैं बात करूँगा आपके जो है लाइफ स्टाइल के बारे में। तो आपके जो है घर में जो है अपने एक कहा जाए तो पारिवारिक कितने भाई कितने बहन हैं? हम चार बहन और एक भाई है। अच्छा, तो उसमें से बड़ी या छोटी? हम छोटे हैं। छोटे हैं। हाँ। तो चार क्या है बहन? चार बहन और एक भाई। एक भाई, चार बहन और एक भाई के बीच में जो है एक सिंगर बनने का ख्वाब एक बहन का, जो आज इस गाढ़ा गाँव के एक जो है विख्यात इस गाँव का नाम रोशन करने में अपना कदम आगे बढ़ाई है और इससे जो है क्षेत्रों के लोगों से मैं चाहूँगा कि शायद जिस तरह से यूपी बिहार में जिस तरह से लोगों का जो है प्यार मिला और वहाँ के सिंगर आज पूरे हिंदुस्तान में छाए हैं, उसी तरह यूपी के भी लोगों का अगर दुलार और स्नेह मिलता रहेगा तो शायद यूपी के जितने भी ऐसे कमज़ोर उभरते सिंगर हैं इन्हें भी मौका दें ताकि ये लोग भी बिहार की तरह अपना जलवा पूरे यूपी में बिखरें। तो आप जो है अभी कोई हाल ही में गाना वाना शूट हुआ है? हाँ, हुआ तो है। उसका वीडियो होता है या फिर ऑडियो? ऑडियो भी होता है, वीडियो भी। अच्छा, बट अभी ऑडियो आया है। ऑडियो आया है। तो अभी आप जो है ज़्यादा लोकगीत का जो है चॉइस रखती है ना? हाँ, लोकगीत। तो आपके पिता साथ हैं और पिताजी का पूरा जो है आपका सपोर्ट रहता है? हाँ, बहुत सपोर्ट रहता। चलिए, इनके पिताजी भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनके पिताजी का जो है जिस बच्चे के ऊपर अगर माँ पिता का साया अगर रहता है तो शायद वो काफ़ी जो है आगे तक बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे पहला ही उनका आशीर्वाद माँ पिता ही होते हैं और इनके जो है पिता का काफ़ी सहयोग और साथ है जो आज ये पढ़ाई के साथ सिंगर करियर का भी अपना पड़ाव आगे बढ़ा रही हैं। तो हम चाहेंगे कि इनके पिताजी से भी कुछ खास बात किया जाए। तो आप थोड़ा सा आगे आ जाइए यहाँ पे। क्या नाम है सर जी? मेरा नाम राजेश कुमार है। अच्छा, तो आप अपने लड़की को किस हिसाब से सोचे कि कहीं ना कहीं इनके हुनर को देख कर या फिर इनको यह लगा कि आप इन्हें सिंगर बनाना है, क्या ख्वाब आया था? हाँ, मैं तो पहले सोचा था कि मैंने जैसे पढ़ने में अच्छी है। अच्छा, यहाँ जैसे अपने पहले अपने नाने के यहाँ पढ़ी थी बंगाल में, तो वहाँ पढ़ने में भी बढ़िया थी बंगाल भी। अच्छा, और स्कूल में भी टॉप आई थी बंगाल में। अच्छा, और वहाँ भी गाकर मैंने सुनाई थी। अच्छा, बंगाल में आप भेजे थे पढ़ने के लिए? हाँ, अपने नाना के पास थी ना। तो बंगाल में कितनी क्लास तक पढ़ाई की? ओ, चौथी पाँचवीं में शायद रही होगी। अच्छा, चौथी पाँचवीं तक जो है बंगाल में पढ़ाई कराया है और बंगाल के बाद फिर आप देहात में लेकर चले आए? हाँ, जैसे इनकी नाना का जैसे ट्रांसफर हो गया ना वहाँ। अच्छा। से मतलब वो ड्यूटी नहीं बोलते। तो देहात में आने के बाद छठी क्लास के बाद ये लोग पढ़ाई शुरू की ना? जी जी। तो तब से आप जो है इनको पूरा कदम आगे बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं? तो मेरे से बोली ना कि यहाँ पापा ऐसा कि मेरा स्कूल में कहीं एडमिशन करा दी संगीत विद्यालय में। अच्छा अच्छा, ताकि मैं अपने मतलब कि हिसाब से गाना गाना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है, हमको अच्छा लगा। तो इन दिनों इनके साथ कोई प्रोग्राम के लिए क्या बात आता है? आता है। तो क्या कहते हैं? अभी भी आता है तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है भैया जी, मतलब कि प्रोग्राम करेगी, लेकिन पहले तो अच्छा तो जो समाज में गा रही है समाज में उसमें बैठने का तरीका मालूम होना चाहिए। सही बात है, मालूम हो जाए। तो अभी जो है इनका जो है पढ़ाई का सिलसिला चल रहा है? चल रहा है। तो पढ़ाई का क्या ख्वाब रखें कि कहाँ तक पढ़ाएंगे? पढ़ाई का भी ख्वाब रखें और संगीत में भी ख्वाब रखें कि जहाँ तक पढ़ें मतलब अभी पढ़ने में होगी। अच्छा, वहाँ तक हम पढ़ाएंगे, मतलब कि पढ़ाई का सिलसिला रुकने वाला नहीं है? रुकने वाला नहीं है, और ये भी सिलसिला गाने गाने का भी है। अच्छा, नहीं रुकेगा? ये भी नहीं। यानी कि जब इन्हें सिंगर की दुनिया में आपने जो है पिरोया है, उस मकाम तक पहुंचाने का जो है प्रयास कर रहे हैं, तो इन्हें जो है वो मंजिल प्राप्त करके ही छोड़ेंगे ना? जी, मैं तो ऐसे ही सोचता हूं। अच्छा, तो भगवान से भी प्रार्थना करता हूं और दर्शकों से भी, ताकि मैं इस मुकाम पे ले जाऊं कि हमारे ग्राम सभा का, हमारे ब्लॉक का और हमारे जिले का भी नाम हो। अच्छा, ये एक मजदूरी करके और परिवार को चलाते हुए आज जो है एक हाई स्कूल में जो है इनकी लड़की आज पढ़ाई के सिलसिले में सिंगर बनने का ख्वाब जो मन में बना था, आज उन्हें साकार करने में काफ़ी योगदान पिताजी का साथ बन रहा है और इन्हें जो है
पढ़ाई के साथ सिंगर की दुनिया में आगे बढ़ावा देने का सतत प्रयास लगा है और हम चाहेंगे कि सभी दर्शकों का प्यार इन्हें मिले कि इस यूपी में ये कुछ दिनों के बाद काफ़ी वायरल हो और अच्छे गानों के साथ पूरे मार्केट में छा जाए। और इस जो है यूपी में बहुत से दर्शक हैं लेकिन बढ़ावा जो है जो जिस तरह से बिहार के लोग दे रहे हैं बिहार के सिंगरों को, उस तरह से हम चाहेंगे कि यूपी के सिंगर को यूपी के लोग बिहार की तरह दिखा दें कि ताकि ये लगे कि बिहार की तरह यूपी भी आज वैसा सिंगर वायरल हो चुके हैं। तो आप जो है इनका पढ़ाई का सिलसिला अभी जो है 10th में बता रही थी तो उसके साथ जो है आप इनका जो है आगे पढ़ाई का तो कराएंगे लेकिन स्कूल बता रहे थे कि सिंगर का जो होता है एक संगीत, तो उसमें कहाँ तक एडमिशन कराने का सोच रखे हैं? वो तो उसमें तो अभी कराए नहीं नहीं कराए, मतलब विचार है कि उसमें कराएंगे कराएंगे फिर मतलब कि हारमोनियम जो है कि खरीद लाए। अच्छा। मतलब कि वो भी सीखेगी। अच्छा। और अपने जो क्या बोला जाता है मतलब सीखने का जो है इनको जो है संगीत जो होता है शास्त्रीय संगीत अच्छा, जाता है उस माध्यम से ताकि हारमोनिया भी मतलब वो स्वर से गाएगी तो अच्छा बुलंद आवाज आएगी, यानी कि घर पे एक अभ्यास कर सके और स्टूडियो में जो है जाए तो अभ्यास पहले से बना रहा है क्योंकि स्टूडियो में यह होता है कि अभ्यास नहीं होता है तो गाना जो है सही से सेटअप नहीं हो पाता है, तो जो अभ्यास पहले से घर पे बना रहेगा तो स्टूडियो में अच्छे से गा पाएंगे। तो पूरा आप फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो है गाने में आगे बढ़े और इनको बढ़ावा देने का पूरा सहयोग दिए हैं। अब आगे ऐसा नहीं है कि ये मन जो है बढ़ाइए सिंगर बनने को और बीच में कुछ तरह से पीछे खींचने का इस तरह से मन ऐसे, में ऐसे तो सोचा नहीं सोचे नहीं ऐसे सोचने मैं सोचा कि जब इसे दुनिया में निकाल दिया हूँ तो वैसे मेरे सारे लोग बहुत बोले कि नहीं ये सब मत काम सिखाइए, गाना गाना कोई अच्छी बात नहीं है, मैं बोला कि नहीं हमारे लिए अच्छा है संगीत कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ऐसा है कि इस समय जो गलत सोचते हैं गलत उनकी सोच होती है तो सबसे गलत वो होते हैं क्योंकि एक ये कला है और जो कला जिसके अंदर होता है वो सबसे विद्वान कहा जाता है, वो सबसे होता है क्योंकि आज के समय में गुड़ की कला की ही पूजा की जा रही है, जितने बड़े लोग हैं जितने स्टार बने हैं उनके पास उनके हुनर और कला ही उनको आज उस पैदान पर पहुंचाई है। सर जी जैसे ये भी माँ पिता को देखना चाहिए कि अगर हमारा लड़का हो या लड़की हो बात तो एक ही है लेकिन अगर लड़की पढ़ती है तो उसको भी पढ़ाइए, लड़का पढ़ता है तो दोनों को पढ़ाइए, यहाँ जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस तन से लड़के को पैदा की उस तन से बच्चे को बेटे को, तो दोनों में फर्क ही क्यों? आखिरकार एक लड़की होने के बाद यही सोचते हैं माँ बाप कुछ लोग ऐसे हैं कि ये दूसरे घर चली जाएगी, जिस तन से आपने उन्हें जब पैदा ही कर दिया तो उन्हें आपने जिस हिसाब से दूसरे घर जाने की सोची अलगाव करके आपके अंदर विचार आया तो शायद इस तरह से विचार नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों जो है एक तन से हैं, कभी भी वो हमेशा एक साथ ही माँ का ही दर्जा मिलता रहेगा। तो इनको बढ़ावा देने के लिए आप प्रयास में लगे हैं जी सर। तो इनका जो है अभी जो है किस हिसाब से गाना मार्केट में विचार है? अभी तो विचार तो बहुत है, जैसे मतलब जैसे शिल्पी आज इस समय जो चल रही है कोहले पौधान पे, अच्छा तो हम ये सोच रहे हैं कि ताकि उनका भी मुकाबला करें शिल्पी राज का। अच्छा। और कुछ लोग हमको मतलब बोलते भी हैं, कहते भी लोग हैं कि वास्तव में रजिश भैया आपकी लड़की गा रही है। अच्छा। आवाज़ एकदम कोई ऐसा कह नहीं सकता कि नहीं वो शिल्पी नहीं गा रही है, आपकी लड़की गा रही है। अच्छा। ऐसी आवाज़ यानी कि कुछ दर्शकों के अच्छा जो है स्वभाव सम्मान के साथ दिख रहा है कि इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। जी। तो कहीं ना कहीं ऐसे काफ़ी बातों से यह लगता है कि आपको अच्छा मेहनत करना चाहिए ना, क्योंकि जिस हिसाब से पिता ने साथ दे रखे हैं और पूरा दर्शक गांव के लोग का सपोर्ट हो तो उनके मान मर्यादा को देखते हुए आप जो है जिस कलाकारी जिस आवाज़ को एक अच्छे शुरू में पिरो कर ले जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उस पर विशेष आपको फोर्स करना चाहिए, ध्यान पहले भी देते हैं आज भी दे रहे हैं और ऐसा। तो क्या लगता है कि अगला जो एल्बम आपका कोई गाना आने वाला हो, अभी तो पता है कोई एल्बम नोट हुआ है या फिर सोचे हैं? अच्छा सोचे हैं, मतलब कि जो भी अब आएगा कुछ इन एल्बम से जो है कुछ बढ़ चढ़ के और कुछ जो है अच्छे रिस्पांस देते हुए मार्केट में आने की उम्मीदें जताई जाए। हाँ। है ना, मैं चाहूँगा कि जिस हिसाब से इनका एल्बम काफ़ी मार्केट में आए हैं उनसे आज इंटरव्यू के बाद ये प्रतिभा राज का जो गाना आएगा काफ़ी हट के और कुछ अलग अंदाज में और काफ़ी जो है लोगों के बीच में एक अच्छे जो है रिस्पांस देते हुए कि इस यूपी में एक जगह बनाने में जो है मुकाम अपना हासिल कर पाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूँगा पुनः प्रतिभा राज उनके पिताजी हैं साथ में इस गाढ़ा गांव के जो है एक सिंगर जो है प्रतिभा राज जो इन दिनों काफ़ी अपनी गानों से चर्चित हैं और उम्मीद है कि भविष्य में जो है ये अच्छा मुकाम हासिल करें। इन्हीं बातों के साथ भी न्यूज़ इंडिया में आप सभी का नमस्कार। ठीक है, नमस्कार।